हे, स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी वेलविशर कृति। दोस्तों, इंडिया में डायबिटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें से आज मिलियंस ऑफ पीपल इंसुलिन लगाते हैं। अगर इंसुलिन मार्केट की बात करें तो भारत का इंसुलिन मार्केट लगभग 376 मिलियन US डॉलर है, भारतीय करेंसी में लगभग 312 करोड़ रुपए। लेकिन फिर भी ये बीमारी लगातार बढ़ ही रही है और एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग आधी आबादी 2030 तक डायबिटिक होने वाली है। जैसा हमने पिछली वीडियो में भी जाना है कि इंसुलिन डायबिटीज़ का परमानेंट समाधान नहीं है, तो आज हम जानेंगे कि इंसुलिन का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, हम में से हर कोई ये तो समझ ही सकता है, चाहे वो डायबिटीज़ का पेशेंट हो या नहीं, कि रोज़ रोज़ इंजेक्शन लगाना किसी के लिए भी कितना पेनफुल यानी दर्द भरा हो सकता है। तो इंसुलिन लेना एक ऐसी ही प्रक्रिया है जहाँ पेशेंट को रोज़ कई बार इंजेक्शन लगाना ही होता है, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ये उनके लिए कितना दर्द भरा होता होगा। इस दर्द के साथ साथ इंसुलिन के और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स शरीर पर होते हैं, आइए वो भी जानते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया का होना है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है, जिसमें पेशेंट को कपकपी लगना, चक्कर आना, पसीना आना और दिल की धड़कन का तेज हो जाना जैसी समस्या हो जाती है, और कभी कभी तो ये स्थिति उनके लिए जानलेवा भी हो जाती है। लगातार इंसुलिन के कारण इंसान का वजन बढ़ता ही जाता है, ऐसा अब तक बहुत सारे लोगों में देखा गया है। जिस जगह पर इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है वहाँ की त्वचा लाल हो जाती है, साथ ही साथ सूजन और खुजली होना वहाँ आम बात है, जो इंसान को काफ़ी परेशान करती है। एलर्जी। कुछ कुछ लोगों को इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में एलर्जी भी हो जाती है, उनके स्किन पर रेड रेड निशान बन जाते हैं और कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत होती है। लिपोडिस्ट्रॉफी। जहाँ पर इंसुलिन इंजेक्शन लगाते हैं उस जगह की स्किन मोटी हो जाती है और बहुत बार वहाँ पर एक छेद भी हो जाता है। लंबे समय में इंसुलिन इंजेक्ट करना हमारे किसी ना किसी ऑर्गन फेलियर यानी कि अंग के काम ना करने का कारण भी बनता है, और दुख की बात यह है कि ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट की मौत किसी ना किसी ऑर्गन फेलियर जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स इत्यादि इनके कारण ही होती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि इंसुलिन इंजेक्शन लगाने का हमारी बॉडी पर कितने सारे दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन आज इंसान उसको मजबूरी में लगा रहा है क्योंकि वो नहीं जानता है कि वो अपने डायबिटीज़ को रिवर्स या नियंत्रित कर सकता है और इस इंसुलिन लगाने से बच सकता है, क्योंकि अभी तक उसने अपने आसपास बस यही सुना और देखा है कि डायबिटीज़ ठीक ही नहीं हो सकती है। और आज उसका एलोपैथी इंडस्ट्री पर पूरा विश्वास है, वो अपनी आयुर्वेदा चिकित्सा को भूलता ही जा रहा है, जो आज भी उतनी ही शक्तिशाली है जितनी कई हज़ार साल पहले थी। आज इंसान को फिर से यकीन करना होगा अपने आयुर्वेदा पर, अगर वो जड़ से इस डायबिटीज़ बीमारी को सही करना चाहता है। आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे आप अपनी डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं, वो भी नेचुरली, और इंसुलिन या मेडिसिन से बच सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अपने हर ग्रुप और उन सभी लोगों से शेयर करें जो इंसुलिन लगा रहे हैं या डायबिटिक हैं, ये जानकारी उनकी काफ़ी मदद करेगी। अगर अभी जस्ट उनकी इंसुलिन लगाने की शुरुआत है तो वो समझ जाएंगे कि उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।